सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू दास स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में या ब्लॉग में कह लीजिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा ब्लॉगिंग सेटअप। इससे पहले भी मैंने एक बार आपको अपना ब्लॉगिंग सेटअप दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा अपग्रेड किया है मैंने अपने ब्लॉगिंग सेटअप को। एंड अभी मैं जो है फ़िलहाल हर अपने ब्लॉग में, हर अपने वीडियो में जो भी शूट करता हूँ, जितने भी ट्रैवल ब्लॉग्स रहते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स रहते हैं, वो इसी सेटअप से रहते हैं। तो वो सेटअप बेसिकली मैंने बनाया एक गिम्बल से, जिसको मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, एंड मेरा मोबाइल फ़ोन जो कि है सैमसंग M31। एंड उससे पहले मैं यूज़ करता था J7। तो गिम्बल के साथ एक स्मार्टफोन या एक अच्छा फ़ोन का कैमरा यूज़ करता हूँ, एंड हमेशा मैं इसी से अभी तक व्लॉगिंग करते आया हूँ एंड सिनेमैटिक वीडियो या ट्रैवल वीडियो बनाते आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गिम्बल कौन सा है मेरे पास एंड क्या क्या फंक्शंस है इसमें। एंड इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक गिम्बल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको कोई अच्छा सा कैमरा, DSLR कैमरा हो या फिर एक्शन कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सारे हम पैरामीटर्स देख लेंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन में आएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा गिम्बल जो कि है DJI Osmo मोबाइल, एंड ये पुराना मॉडल है DJI का। अभी नया निकला है, उसका मॉडल नेम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी दूसरा एक DJI का गिम्बल निकला है। एंड ये रहा इसका कवर जो कि एक हार्ड फोम से बना हुआ है, स्टायरोफोम से, एंड इसी के अंदर आपका गिम्बल रहता है। तो ये फोम, ये कवर देख ही पा रहे, बहुत बड़ा है, तो ये कैरी करने में बहुत ही प्रॉब्लम सा हो जाता है। तो मैं इसको हमेशा, इस गिम्बल को इसमें कैरी नहीं करता हूँ। तो खोल के गिम्बल देख लेते एक बार। तो कुछ ऐसा दिखता है गिम्बल। एंड ये फोम जो है, अगर आप इसके साथ कैरी करें तो इसका मतलब ये कैलिब्रेशन वगैरह मोटर का जो भी है, ये सारे मोटर्स हैं यहाँ पे, तो ये सारे आपका सही कंडीशन में रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं इसको कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे टैंक बैग में बाइक के जब मैं इसको रखता हूँ तो बहुत सारा स्पेस यही ले लेता है, ये फोम, ये कवर ही ले लेता है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कपड़े में एक कवर कर लेता हूँ, किसी हार्ड कपड़े में या टी शर्ट शर्ट वगैरह से, एंड उसको बैग में कैरी कर लेता हूँ या फिर अपने छोटे से बैग में कैरी कर लेता हूँ। तो चलिए अभी, एंड इसके साथ एक चार्जर भी आता है जो कि है मिनी USB। तो ये है अभी मेरा गिम्बल, इसको कर देते हैं साइड। तो गिम्बल कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी इसमें मैं मोबाइल लगा के एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये वॉक करता है एंड कैसे ये मतलब स्टेबलाइज करके सारा वीडियो निकालता है। तो इस गिम्बल में फ़ोन लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये जो क्लैंप है इसको आप पुल कर सकते हैं एंड अपने मोबाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फ़ोन लगा के जैसे ही आप ये खींचेंगे तो आपका फ़ोन जो है इसमें आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ से ये सारे बोल्ट है, ये सारे लूज़ या टाइट करके आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि ये एक सीधा ऐसा शेप में आ जाए। एंड उसके बाद ये पावर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, तो पावर बटन प्रेस करते ही ये गिम्बल जो है खुद ही अपना ओरिएंटेशन में आ जाता है एंड कुछ इस तरह का बन जाता है। तो उसके बाद जो है मैं इसे कैसे भी मूव करूँ, ये जो अपना एक्सिस है ये नहीं छोड़ेगा, ये अपना एक्सिस मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि आगे पीछे भी करूँ या ऐसे ऐसे करूँ तो ये जो है अपने एक्सिस में ही रहेगा, इसके कारण से हमको एक स्टेबल फुटेज मिलता है। तो ये गिम्बल यूज़ करते हुए मुझको लास्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, एंड उससे पहले मैं एक नॉर्मल सा ट्राईपॉड यूज़ करता था। ट्राईपॉड में मैं बोया का माइक यूज़ करता था जो कि है ये वाला माइक, ट्राईपॉड के ऊपर माइक लगाता था। लेकिन गिम्बल के साथ मैंने माइक का एक्सटेंशन मंगा रखा है जिसमें माइक लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो यूज़ करने में एंड सेटअप करने में टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है उसका सारा खोलो लगाओ। एंड ये है पॉइंट एंड शूट टाइप का, जहाँ भी आपने बैग से निकाला, जल्दी से सेटअप किया एंड रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपको एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आप माइक लगा सकते हैं। तो मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ सैमसंग M31, उसमें पहले से ही बहुत अच्छा माइक है, इसलिए मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़्यादा विंडी प्लेस में जाता हूँ जब तब लगा लेता हूँ। तो मैं जो है ये फ़ोन से शूट नहीं करता हूँ, ये तो मम्मी का फ़ोन ले रखा है मैंने, J7 Max, जैसा आपको दिखाने के लिए। लेकिन अभी मैं जिस कैमरा से शूट कर रहा हूँ है मेरा फ़ोन सैमसंग M31, तो उससे शूट हो रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ। एंड बस इसी टाइप का कुछ दिखता है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, ऐप से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं इसको, एंड सैम्पल फुटेज देखने के लिए आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। तो लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस वीडियो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया इस गिम्बल को। एंड नॉर्थ सिक्किम वाले ब्लॉग में भी बहुत जगह मैंने गिम्बल से ही शूट किया है, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं सैम्पल फुटेज में कि कैसा इसका फुटेज निकल के आता है।
सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपको ज़्यादा हैवी मतलब व्लॉगिंग सेटअप नहीं बनाना है, अगर DSLR के साथ आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो हर जगह, तो आप ये वाला सेटअप ले सकते हो। तो बहुत लोग गिम्बल के जगह GoPro एक्शन कैमरा या फिर और कोई दूसरा कैमरा भी प्रीफर करते हैं, लेकिन GoPro में आप जो है उतना कलर आपको नहीं मिल पाएगा जितने कि आप फ़ोन में मिलेगा एक अच्छे फ़ोन में। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे फ़ोन भी है जिसका क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। तो गिम्बल एक बहुत ही स्मूथ टाइप का वीडियो आपको देगा, बहुत ही मतलब सिनेमैटिक। अगर हाथ अपने अच्छा बैठाया हुआ है गिम्बल पे तो बहुत ही अच्छा फुटेज निकलेगा। वैसे मैं भी अभी भी 2 साल हो गया है इस गिम्बल को यूज़ करते हुए, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे इसमें फीचर है, बहुत सारे मूवमेंट है जो मैंने नहीं सीखा है, धीरे धीरे सीखता हूँ। हर दिन एक नया शॉट निकल के आता है वीडियो में। तो अगर आपको 10,000 के अंदर एक व्लॉगिंग सेटअप चाहिए तो आप गिम्बल के लिए जा सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप DSLR वगैरह ले सकते हैं या फिर एक्शन कैमरा भी ले सकते हैं। एंड अभी तो DJI का दूसरा आ चुका है जिसमें आप एक बटन क्लिक करते ही इसका जो है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। मतलब ये जब क्लिक करेंगे तो आपको मतलब अभी इसमें मुझे अगर पोर्ट्रेट करना हो तो मैन्युअली करना पड़ेगा, ये हो तो ये वाला जो स्क्रू है इसको पहले ढीला करना पड़ेगा, फिर मैन्युअली ऐसे घुमा के इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन वो वाले गिम्बल में जो है आपको यहीं से ये वाला बटन क्लिक करके ही यहीं पे कुछ उसका कंट्रोल है, ये क्लिक करके जो है आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट। तो ये वाला फीचर उसमें अच्छा है। एंड फिलहाल ये वाला गिम्बल तो बंद भी हो चुका है DJI की तरफ से, लेकिन इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि वो वाला गिम्बल कैसा है। तो अभी जितने भी वीडियोस एंड सिनेमैटिक शॉट्स आप देखते हैं तो वो इसी गिम्बल एंड मेरे सैमसंग M31 को यूज़ करके ही निकालता हूँ मैं, एंड शायद वो आपको अच्छे भी लगते होंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर है, इसमें आप टाइम वॉक कर सकते हैं, टाइम लैप्स ले सकते हैं, मूविंग टाइम लैप्स ले सकते हैं, एंड बहुत सारे फीचर जो कि ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक पावर बैंक भी है जहाँ से आप मतलब USB केबल निकाल के साथ ही साथ अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपको मिल जाता है। आप एक ब्लॉगर हो या फिर आप वीडियो शूट करना पसंद करते हो तो ये गिम्बल जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको वीडियो आउटपुट दे सकता है। तो एक बार जो है मैं आपको ऐसे 360 घुमा के दिखा देता हूँ ये गिम्बल कैसे दिखता है। तो लास्टली अगर आपका बजट कम है एंड 10,000 के अंदर आप एक मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो एक गिम्बल लेके आप एक मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप बना सकते हैं। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नई वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।